हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व होता है। यह अच्छे और बुरे तरीके से आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि कमजोर ग्रह हो या मजबूत ग्रह हो, उसमें बुध का जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में ज्योतिष मनीषियों की माने तो जिन लोगों की कुंडली में बुध यदि कमजोर होता है तो उनको अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। जैसे उनका ध्यान एकाग्र नहीं होता, बुद्धि, वाणी और सुंदरता सब धीरे धीरे उनका डिटोरेट होने लगता, खराब होने लगता है। यदि वहीं बुध अगर उनका बहुत अच्छा है तो बुध यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, दूरदर्शी होता है और अपने ज्ञान के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ने वाला होता है। इससे जातक बहुत ही सुंदर होता है, अट्रैक्टिव उनकी पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि जो बुध ग्रह है उसको ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। उसका स्वभाव जो स्वभाव होता है कोमल होता है और बुध सुंदरता का कारक होता है। इसको ग्रहों में जीवराज भी कहते हैं। कन्या और मिथुन राशि इसका स्वामी है। मिथुन और कन्या राशि इसका स्वामी है और कन्या राशि पर यह बुध उच्च का होता है। कहते हैं कि बुद्धि, ध्यान, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और खुशबू का कारक होता है बुध। कुंडली में यदि बुध मजबूत हो तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है और ऐसे लोग आर्थिक मामलों में सफल होते हैं और काफ़ी सफलता की ऊंचाई प्राप्त करते हैं। ताइए हम आपको बताते हैं कि कुंडली में यदि बुध कमजोर होगा तो आपकी याद करने की क्षमता, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है। इस स्थिति में आपकी सुंदरता भी कम हो सकती है। दूसरे से अगर आप देखा जाए तो जो आपका तरीका होगा, गलत तरीके से किसी बात को समझते हैं और गलत तरीके समझने में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका बुध कमजोर हो जाता है और कहीं भी ध्यान आपका नहीं लगता, मन नहीं लगता, स्किन डिजीज हो जाती है, इचिंग होती है और आपको तमाम तरह की परेशानियां होने लगती है, नसों में दर्द होता है। यदि वहीं आपका बुध कमजोर हो तो बुध को समय रहते ही मजबूत कर ले तो मनुष्य के लिए या जातक के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि वहीं आपका बुध कमजोर है तो क्या करना है कि आपको सर्दी, जुकाम, एलर्जी, ईचिंग और तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, नसों में दर्द होता है और पैसों के मामले में व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का धोखा देना इंसान का स्वभाव बन जाता है और कई बार व्यक्ति सफ़ेद झूठ बोलता है और कई बार वो लोग मजबूरी में झूठ बोलते हैं लेकिन उनका झूठ बोलना एक आदत सी हो जाती है। इसी तरीके से क्या करते हैं, खुशबू और हरे रंग का इसको मजबूत कैसे करेंगे, बुध ग्रह को मजबूत कैसे करेंगे, तो क्या होता है कि खुशबू और हरे रंग का इस्तेमाल करें, दुर्गंध से दूर रहें, ब्यूटी प्रोडक्ट के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको एलर्जी हो, इससे बचना है। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी का प्रयोग करें और छोटी उंगली में क्या करें कि आप कोई छल्ला पहन ले या हरे रंग का कोई भी चीज़ पहन ले या पन्ना पहन ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की आराधना करें या श्री कृष्ण की उपासना करें, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या बुध मंत्र का जप करना आपके लिए इसमें विशेष लाभप्रद होता है। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि प्रातः काल रोज रुद्राक्ष की माला से बुध मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बुध मंत्र आप लिख लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस तरह से इस मंत्र का जप करते रहें और हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और विष्णु भगवान के सामने बैठकर मंत्र जप करें। कम से कम 3 महीने तक रोज अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो अवश्य देखा जाए तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और बुध ग्रह के मजबूत होने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज हमने आपको बताया बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह क्या होता है? बुध को कहते हैं कि यह चंद्रमा का पुत्र है।
इसको चंद्रमा का पुत्र कहते हैं और 3 नंबर 6 नंबर का स्वामी होता है। और कहते हैं कि बुध बुद्धि का कारक होता है, ग्रहों का ये राजकुमार होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, व्यक्ति का मेधा कमजोर होता है, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति की कई तरह की परेशानियां होती है, हेल्थ उसका डिटोरेट करता है, नसों में प्रॉब्लम होती है और चाह के भी अच्छा कार्य नहीं कर पाता। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो जो भी जातक है वह अपनी कुंडली में ज्योतिष मनीषी से सलाह ले ले कि उसकी कुंडली में बुध की क्या स्टेटस है, बुध कहाँ है, किस घर में बैठा। अगर बुध कमजोर है तो हमने जो आपको उपाय बताया है अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे बुध जनित परेशानियाँ आपकी ठीक होंगी और बुध के ठीक होने से आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो आपको सिम्टम बताया, अगर इस तरह का सिम्टम आपके जीवन में हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि बुध ग्रह कमजोर है और उसको मजबूत करने के मैंने उपाय बताया। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन ये जो भी आप काम करेंगे यह ज्योतिष मनीषी की सलाह पर करेंगे। तो मैंने बताया आज आपके बुध के ग्रह के बारे में और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद 12 राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किसके पदोन्नत होगी, किसको लाभ मिलेगा, कौन विदेश यात्रा करेगा, किसकी शादी होने वाले, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, कौन जमीन खरीदेगा, कौन वाहन खरीदेगा, किसको नौकर का सुख मिलेगा, किसको राजयोग है, ये सब बातें मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आइए अभी हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आइए अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 1 जून 2019, शनिवार दिन है, त्रयोदशी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मेष राशि में और आज शुभ समय 11:58 से लेकर 12:51 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 9:04 से लेकर 10:44 प्रातः काल तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। यदि लगता है यात्रा बहुत आवश्यक है, कोई जरूरी काम आ गया, प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देना है, कहीं जाना है, बहुत जरूरी कार्य जो अपरिहार्य है, तो आप क्या करें कि दही गुड़ खाएं, केसर का तिलक लगावें और अपने यात्रा पर निकलें, आपको लाभ मिलेगा। तो आपने जाना आज के पंचांग के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में कि आज जिन जातकों का जन्म उनके लिए इस वर्ष कैसा रहेगा। आज है 1 जून 2019, तो आज का दिन बड़ा खास है, खास इसलिए कि आज आपका जन्मदिन है। तो आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़े, प्रगति करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठा आपके जीवन में अनुगमन करे, ढेर सारे लाभ मिले, परमपिता परमेश्वर से हार्दिक प्रार्थना है, हैप्पी बर्थडे। अब हम बात करेंगे कि 1 जून को जो जन्मे जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो 1 तारीख के जन्मे जातक होते हैं उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा कार्य करने वाला है, तो इनकी भूमिका समाज में बहुत अच्छी होती है और ये दूसरे के टेरिटरी में न दखलअंदाजी करते हैं न अपने टेरिटरी में किसी की दखलअंदाजी बर्दाश्त करते। आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, अगर न्यायालय में कोई विवाद चलेगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बनेगी, माली हालत आपकी अच्छी होगी, घर बनवा सकते हैं, शादी विवाह होने का योग बन रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल प्रथम 4 महीने आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मई जून जुलाई अगस्त ये जो 4 महीना है थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, थोड़ा सा संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक स्थिति इस पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वहीं आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो अंतिम 4 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारे कार्य रुके हुए होंगे और यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों के लिए रहेगा, सफलता के लिए रहेगा और जो बहुत दिनों से जो कार्य आपके नहीं हो रहे हैं तो सारे कार्य इस वर्ष होने की संभावना बन रही है। तो आपने जाना आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में कि इनका कैसा रहेगा भविष्य, इसके बारे में मैंने बताया और अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं आज आपको अर्थ के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा। यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद अगर आपके कोर्ट कचहरी न्यायालय में चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिल सकती है, उसकी प्रबल संभावना बन रही है और आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। पदोन्नत होने की संभावनाएं
बन रही हैं, दूर देश की यात्रा हो सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, भाग्य साथ आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आज मेष राशि का चंद्रमा आपके राशि से प्रथम स्थान में यानी लग्न में बैठा हुआ है, तो जब लग्न में चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति की जो भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं वह सफल होती है, व्यक्ति अपने विजन को कार्य रूप में परिणत करता है, मान सम्मान मिलता है, लेकिन व्यक्ति निरंकुश होता है, किसी की बात न सुनता है न मानता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि आप अपने को पॉजिटिव चैनलाइज करें और जितना पॉजिटिव चैनलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। निगेटिव डायरेक्शन में सोचने से बचना है, इनसिक्योरिटी की भावना मन में एकदम ना आने दें, अज्ञात भय से भयभीत होने से बचें। हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि भगवान सूर्यदेव की आराधना करें और गेहूं 1.25 किलो दान करें मंदिर में, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि की, तो जो वृष राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा था, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, नए वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और आज आपकी जो भी पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं उसका मूलभूत समाधान होगा। संतान की प्रगति का योग बन रहा है, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, संततियों की प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा, ढेर सारे कार्य एक साथ होने की संभावना आपकी बन रही है, पदोन्नति होने का भी प्रबल योग बन रहा है और आज आपको बहुत सारे ऐसे कार्य रुका हुआ है जिसकी होने की संभावना बन रही है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। तो जो वृष राशि के जातक हैं आपके राशि से 12वें चंद्रमा है मेष राशि का, तो आज एक तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, आज आपको अनावश्यक रूप से तनाव होगा, छोटी छोटी बात को लेके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और अनचाही बजट बढ़ जाने से, खर्चे बढ़ जाने से आपका मन उद्विग्न रहेगा और लगेगा कि आप शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं, तो थोड़ा सा आज अपने आचरण व्यवहार सोच पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने को बैलेंस रखने की जरूरत है और अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को आज लगाम देने की जरूरत है, खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, कभी कभी आप दूसरों की भी सलाह लेकर कार्य करें क्योंकि आप मनमौजी न करें। उपाय क्या करना है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आपका सफेद और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं इनके लिए समय बहुत अच्छा है, एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, नए तरह के मेहमान आ सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा और यदि आप नए व्यापार नया कार्य नया योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, पत्नी की हेल्थ को लेकर के चिंता की स्थिति हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, विष्णु जी की आराधना करें और कोई भी क्या करें कि किसी सुहागन महिला को सुहाग की वस्तु गिफ्ट करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है से ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो जो कर्क राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी बहुत सारे आइडिया विचार एक साथ उत्पन्न होंगे, तो अपने जो आइडिया उसका 1/1000 अगर आप इंप्लीमेंट कर लें तो आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और आज आपको बेवजह तनाव की स्थिति हो सकती है, तो तनाव न लें न तनाव दें, वाद विवाद से बचने की जरूरत है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, अपने वाणी और भाषा पर कंट्रोल करें, कटु भाषा बोलने से परहेज करें, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और आज आपको नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, परिवार में नए कार्य हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य एक साथ होने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, उतावलेपन में कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और भगवान शिव को बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख के अर्पित करना है। आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, तो जो सिंह राशि के जातक हैं इनके लिए समय बहुत अच्छा है, एक तो आपकी जो भी
प्लान है, महत्वाकांक्षाएं योजनाएं, जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या आपका जो सोच है, परिकल्पना है, वो सारी चीज़ें एक साथ पूर्ण होते हुए दिख रहा है। समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चैरिटी के कार्यों से लाभ होगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, तीर्थाटन देशाटन इत्यादि होने का भी योग बन रहा है, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, छोटी छोटी बात को लेके तनाव की स्थिति बना लेते हैं, तो इससे बचना है। आज आप जैसे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अगर आप एफर्ट करते हैं तो उसमें आज आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रही है, पदोन्नत का भी योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, किसी प्रकार का आर्गुमेंट वाद विवाद न करें, उससे बचने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य देव की आराधना करें और भगवान सूर्य देव की आराधना के साथ साथ कोई लाल वस्त्र दान करें या गेहूं अपने वजन के बराबर मंदिर में दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा सा सोच समझ करके चलने की जरूरत है और अपने को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। और जैसे आपने प्लान कर रखा है, कोई दूरदर्शी आपकी योजना है या कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसको पूर्ण होने का योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी हो सकता है। वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, लेकिन आज आपके शत्रुओं से थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है, टेंशन मिल सकता है और आप बहुत ही इमोशनल है तो छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो न निगेटिव सोचें, ना परेशान हो और अकेले में एकदम ना रहें। आप क्या करें कि एक तो संगीत का सहारा लें, मंत्र जप करें और अपनी सोच सकारात्मक रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना, हरे रंग की वस्तु दान करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो जो तुला राशि वाले जातक हैं आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जगह जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, नए प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, संततियों से सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जमीन इत्यादि खरीद सकते हैं, विवाद जितने भी समाधान होगा, रियल इस्टेट से आज आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई भी पूंजी निवेश करते हैं रियल इस्टेट में तो आज आपको लाभ मिलेगा और आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अत्यधिक खर्च से मन थोड़ा तनाव में आ सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आप रियल इस्टेट में कोई भी पूंजी निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, माइंस से लाभ मिलेगा, पेट्रोलियम से, गैस के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। यदि आप फर्टिलाइजर या केमिकल के फील्ड में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा। भाई बहनों का सुख मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है, पदोन्नत होने की भी संभावना बन रही है, नए रोजगार से लाभ मिलने की संभावना है, पदोन्नत के साथ साथ नई नौकरी भी मिल सकती है। गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, भाषा वाणी पर कंट्रोल करना आपके लिए हितकर रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन ना पालें, दूसरे की सलाह माने और दूसरे की सलाह से कार्य को करें, आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करना है, पीली हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए समय स्वर्णिम चल रहा है। एक तो आज आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं सफल होगी, मान सम्मान मिलेगा, पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल रहेंगे, परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, दूर देश की यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है और आपको प्रयासरत कार्यों में बड़े पैमाने पर सफलता मिल सकती है, नौकरी मिलने की भी योग बन रहा है और पदोन्नत हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चे हैं उनकी टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, बच्चे बड़ा अच्छा करेंगे, उनके पर कंसर्न रखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको इनकरेज करने की जरूरत है, बूस्टअप करने की जरूरत है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है और माली हालत आपकी अच्छी होगी और कई क्षेत्र से धन आएगा, तो समय आपके लिए अनुकूल है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज आपको बंदरों को केला खिला में आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण।
अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में हम आपको प्रतिदिन छोटे छोटे कोई ना कोई उपाय बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज इसी श्रृंखला में जब आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, असाध्य बीमारी है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, दवा काम नहीं कर रहा और आप अति परेशान हैं और लगता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा या हेल्थ वेल्थ सब प्रभावित है, तो इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि लघु मृत्युंजय का जप करें। एक छोटा सा मंत्र है, ओम जुम सह, ओम जुम सह। ये छोटा सा त्रिअक्षरी, इसको लघु मृत्युंजय बोलते हैं। इस मंत्र को आप एक माला, तीन माला, 11 माला जितना अत्यधिक कर सकते हैं आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इसमें हर व्यक्ति कर सकता है, तो इसको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपके हेल्थ में देखेंगे कि उत्तरोत्तर सुधार होगा। ऐसा आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद होगा। तो मैंने आपको बताया कि लघु मृत्युंजय पढ़ करके आप कैसे अपने हेल्थ को और वेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। और अब हम बात करेंगे जो अंतिम तीन राशियां हैं, मकर, कुंभ, मीन, इनके बारे में बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको ढेर सारे महत्वपूर्ण कार्य एक साथ संपन्न होने के योग बन रहे हैं। लेखन कार्य से आपको धन मिलेगा, साहित्य सृजन से बड़ा नाम होगा, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता, अनबन हो सकती है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। अज्ञात व्यक्ति से कोई व्यापार न करें, आपका पैसा डूब सकता है। और आज आपको अपनी जो भी महत्वाकांक्षा योजना उससे लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से में आकर कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलावें। और आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाइट ग्रे और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो भी आपका मिशन है, विजन है, आइडिया है, सब इम्प्लीमेंट होगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। रोग और शत्रु से अपने को घेरे हुए महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है और संतान सुख मिलने का प्रबल योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, नया जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसके लिए प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, आज संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपका समय चतुर्दिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। एक तो घर में मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, संतान सुख मिलने का योग बन रहा है, जीवन संगनी को नौकरी मिल सकती है। छोटे छोटे बात को लेके आप इरिटेट हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तनाव लेने से बचें, गुस्से पर नियंत्रण करें। पदोन्नत के साथ साथ नई नौकरी मिल सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, माता पिता का सुख मिलेगा, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, मंदिर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और माता का सुख मिलेगा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, न्यायालय से धन लाभ होगा। सावधानी क्या बरतनी है, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र मंदिर में दान करें या कोई भी ऋतु फल जैसे केला है, सेब है, आम है, मंदिर में दान करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। तो आज हमने आपको बताया कि यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आप उसको छोटे छोटे क्या उपाय करेंगे जिससे आपका हेल्थ वेल्थ ठीक हो और आपकी परेशानियां समाप्त हो और आपको रोगों से मुक्ति मिले, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता देंगे कल कौन सी दिन है, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र है, ताकि आपको बताते हैं। कल है 2 जून 2019, दिन है रविवार, चतुर्दशी तिथि है, कृतिका नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा वृष राशि में, शुभ समय 11:51 से लेकर 12:46 अपराह्न काल तक रहेगा, राहु काल है 5:27 से लेकर 7:10 सायंकाल तक रहेगा, पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।